एक मजे की वीडियो गुजरी मेरी नजर से, जो कि पुरानी वीडियो है, लेकिन हो सकता है पुरानी वीडियो हो लेकिन शेयर करना, मैंने कहा जरा देखें जरा, क्योंकि मोमिनों के हरकतें जो है ना, जरा ये देखें कि पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं मजहब जी, और देखो जी मुसलमानों के साथ बुरा हो गया वगैरह वगैरह, लेकिन इनके करतूत देखें क्या, तब तो फिर कहते हैं गोरे हमसे नफरत क्यों करते हैं। मैं तो कहता हूँ इनको क्यों नहीं इस तरह की लॉज बनाते हैं, हालांकि कुछ लॉज ऐसे हैं, बेचारे इंडिया वाले फंसे हुए हैं, इंडिया वाले बेचारे लाउड स्पीकर हटाते हैं तो ये इस्लामोफोबिया उधर भी नारे लगा देते हैं। श्रीलंका में मैं गया था, इतनी प्यारी वैली थी कैंडी में, वहां पे सुबह ही सुबह उठ गए, यानी बंदा कहे कि क्या मुसीबत है, तुमने नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो बगैर तो, बाकी चलो मैं तो टूरिस्ट हूँ निकल गया वहां से, लेकिन जो वहां पे हिंदू थे, जो बुद्ध मत थे, जो उनको क्या लेना देना, ये बबाले जान सारी दुनिया के बन जाते हैं। तो ये पुरानी वीडियो है शायद आई थिंक, लेकिन ना देखें फ्रांस में क्या हो रहा है। खैर ऊपर की कैप्शन को इग्नोर करें, मेरा नहीं ख्याल ऐसे होना, जैसे आपने देखा स्वीडन में अभी आया ना हार्डकोर मोमिनीन्स, सॉरी हार्डकोर क्रिस्टनी, तो बेड़े घर के अंदर देखिए जैसे नमाज पढ़ रहे हैं बंद करके, नमाज कर सड़कें बंद करके, मोमनाए और लोग बेचारे पागल हुए हैं, लोग कह रहे हैं क्या बकवास है ये, गाड़ियां बंद करो जी, जो लोग शोर मचा रहे हैं निकलो, ये ऐसे ही है। लोगों का नमाजें यहाँ पे चल रही हैं, मोमिनीन्स मोमिनाएं सड़कें किधर बंद से बात कर रहे हैं करके, हारिस? ये किधर है? सॉरी ये किधर है? ये फ्रांस में है, हाँ तो उन्होंने तो फिर करने है ना गुस्से हिंद पे इनके हिजाब, तो फिर ये बेचारी ये तांग ये कह रही क्या, मैंने काम पे जाना था, क्या मुसीबत है तुम लोगों को, ये खड़े में यार, ये क्या तकलीफ क्या है इन लोगों को, लेकिन हारिस क्या हो फ्रांस गया? के जो अल्जेरियंस और मोरक्कन ज्यादा वहां पे वो बड़े लिबरल होते हाँ हैं, हम पाकिस्तान के तो ज्यादा ये लिबरल लिबरल होते हैं, नहीं होते, मैं मेरा तो यही क्या एक्सपीरियंस लिबरल है, उनके साथ नहीं क्या, नहीं यार हम एनेक्डोटल हो भी एक्सपीरियंस सकते हैं, लेकिन हो भी बात सकते ये हैं। ना हाँ कि दूसरे भी तो होते हैं ना, देखिए मुसलमान कभी भी ऐसा जो जो ज्यादा मोमिन होगा ना वो इतना लिबरल रह नहीं सकता, जो ज्यादा मोमिनियत पे होगा ना तो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हमेशा रहेगी, जितने ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अल्जीरियंस के और मोरक्कन के ओवरऑल मिजाज जो है वो रिलेटिवली अगर आप देखें अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड तो ज्यादा लिबरल हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एलिमेंट्स जरूर मौजूद हैं जो कि ज्यादा कट्टर भी होंगे। लेकिन अब ये देखें, एक तो मोमिनों के हाल आपको दिखाए हैं, चलो वो तो हाँ कोई कहे कि हाँ भाई ये तो मोमिन, तो खैर वबाले जान है ना दूसरे लोगों का, जो वैसे बड़े बनते हैं, हमें आपको क्या कह रहे हैं, ये लिटरली यू आर अनोइंग अदर पीपल, सर, लेकिन इससे क्रिस्ट पहले तो एक नहीं। छोटा सा पॉइंट इस पे दे दूं जो आप बात कर रहे हैं ना हरिस, मैंने जो कुछ लोगों से बात हुई है मेरी, और वो एक खातून थी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, यार वो यूके में बॉर्न हुई है, बॉर्न, आधी इंग्लिश बोलती हैं आधी उर्दू बोलती हैं, और उनको शरिया लॉ शरियत चाहिए, और वो ख्वाब देख रही है कि इमरान खान शरियत लाएगा पाकिस्तान में और यूके भी ऐसा बनेगा। सवाल है कि भाई शरियत फिर डिफाइन करो होती क्या है, फिर स्टोनिंग भी होगी आपकी, चार बीवियां भी आएंगी, तो लॉट्स ऑफ पीपल जो बाहर लोग रहते हैं ना वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, वो शरियत के मीनिंग ही नहीं समझते है क्या शरियत। उनको गुलजार इस्लाम का भाई, मतलब नहीं पता था। गुलजार भाई डरे उस वक्त से जब मार्स के ऊपर शरियत के मुतालबे शुरू हो इन्होंने पहले उधर माफिया मांग मांग के ना उससे, मौलवियों ने मोमिनों ने इनसे माफिया मांग मांग के, इलॉन मस्क हमें भी एक टिकट देना, हमने जाना है, हमने जाना उधर जाकर पहला काम मौलवी ने की करना उधर मस्जिद उधर बड़ी जाके करके लबैक लबैक ना भाई। नहीं मसला है पता है क्या, वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन में आ जाएंगे, मगर डाइवर्सिटी गोरों का रोना यही है, गोरों का रोने बेचारों का, उन्होंने कहा चल डाइवर्सिटी आओ जी, पापशीर आओ, बड़ी बड़ी दाढ़ी टांगे टखनों से ऊपर सलवारें आओ, उधर आप ऊपर जाके उधर भी ऐसे भी अल्लाह है भाई, अल्लाह 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 ते हर जगह अल्लाह अल्लाह हक है, इमरान खान ने भी जाके कहा अल्लाह अल्लाह हक है, बड़े घर अच्छा के लोगों उस का। स्टोइक मैं उस रात भी बहुत डरा था जब नील आर्मस्ट्रोंग ने अजान की, जो आर्मस्ट्रोंग साहब मर गए उन्होंने अजान सुनी थी चांद पे, ये मोमिन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ब्लू लाए हो चुका है बचपन में हमारे, ऐसा ही ब्लू है, लाए है। आपको गुलजार भी पता है ब्लू लाए का? ये आपका वीडियो देखा था सर बहुत पहले का, ब्लू लाए मुझे भी आपने याद करा दी, मैं तो ऐसे झूठ बोला जिससे क्या अपनी यार, मजहब की वो बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं आजकल, अनेर पाए वाले नहीं, मैं वापस आ गया, मैं साल में तकरीबन कोशिश करता होता हूँ तो कुछ 3-4 किताबें हो, लेकिन इस दफा कुछ भी नहीं किया, तो चले। अच्छा तो ये तो है जी मोमिनी। मोमिन सुनियो सुनियो टुनियो का के कारनामे, अब जरा देखते हैं मोमिन
सॉरी क्रिस्टुनियों के क्या कारनामे हैं जी, देखिए जरा। अब सवाल पूछा गया एथियस्टों से कि एथियस्टों अगर खुदा नहीं है, जीसस एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये एक्सप्लेन करो ये क्या हो रहा है, ये क्रिस्टुनी हमारे इंडियन क्रिस्टुनी है। मुझे लग रहा है केरला के लोग हैं ये बड़े हाँ। ये बड़े कट्टर क्रिश्चियन होते हैं, मेरे जानने वाले अमेरिका में भी हैं और कुछ हुआ है, दे आर वेरी स्टॉन्च, मुझे लग रहा है, मेरा ये मेरी राय है, मुझे मिला है। सुनिए ना, हो गया हो गया, एक्टिंग भी देखो कितनी गंदी, आराम से गिरते भी बड़े आराम से हैं। ओके ये तो बाबा करंट शाह को भी फेल कर गए हैं। ओ माई भी आई, माई ओ माई ओहो ओके ओके ओ डुगी ओ उसने मुंह तो डिगी है। अच्छा पहले ही हिलना लग जाते हैं, अच्छा पहले क्यों हिल रही है, करंट तो बाद में लगना चाहिए, ये रखो पहले हिल रहा है वो अभी तक उसके ऊपर दौड़े पा रहे हैं। अच्छा मार ये आखिरी वाली को कुछ नहीं हुआ, दिल में हंसी नहीं आती होगी कि यार ये क्या कर रहे हैं वो देखो हाय 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 लुट गई तत्ते पे ओ ओ ओ छोटी छोटी बच्ची ने कहा मैं भी पावांगी पंगड़ा, मैं भी नाच लो लटे गिद्दा पा ले गिद्दा पा ले वो भी तक पीछे वो लुड़ वो देखो ये लुड़कनी मार रही है एनु बती। अच्छा उसने कहा बाजी रुके तो सही ओ ये अच्छे तरीके से आई। अच्छा अच्छा ये देखो ये आई है, पहले सोच के आते हैं कि हमने किस तरह उड़ना, जिन्होंने हिलना होता है ना, हिले हिल के थरथली से मरना होता है, तो वो ज्यादा हिलते रहते हैं, वो आने से पहले हिल रहे होते हैं, और जिसने एकदम से बेहोश होना ना, देखो ये नहीं हिल रही थी ये देखो ये बिल्कुल नहीं हिली, ए अब गई ना हालांकि अगर किसी ने देखा हो ना बंदे को उड़ते हुए, अगर किसी ने कभी बंदे को अनकॉन्शियस होते हुए देखा हो ना, तो बड़ी आपको यूट्यूब पे लड़ाइयों की वीडियो मिल जाएंगी, उसमें जब आपके मुंह पे मुक्का पड़ता है ना, जब आप नॉकआउट होते हैं तो आप बिल्कुल डेड वेट के साथ मरते हैं, तब आपके गोडे मुड़ते नहीं है इस तरह, आप अपनी सेफ फॉल नहीं करते, तो ये देखो जो गिर रहे बड़े मजे से सेफ फॉलिंग हो रही है आराम से, है ना, सर ना बजे कंकशन ना हो जाए क्या बंदा इनको कहे, ये देखे ना अभी जो इस तरह के लोग हैं, इस जहनीयत को ये लोग मान रहे हैं, ये लोग क्या बंदा इसपे एक चीज है जो अक्सर लोग मजहब को डिफेंड करते हैं, मजहब तो हार्मलेस नहीं होता, ये तो सुकून के लिए, भाई ये जो इस गिरने से बेहतर था आपको यार अच्छी म्यूजिक के साथ अच्छी धुन के साथ कोई ऋतिक रोशन का डांस दिखा देते, जो ऐसी उसका हर बॉडी पार्ट जो अलग था, उसकी स्पाइन का टेस्ट लेना चाहिए ऋतिक रोशन की, बल्कि वो लड़का वो नया है, वो जैकी शरूफ का जो बेटा, वो भी क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ, वो भी उसके मुकाबले का डांस करता। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।